नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हर एक आम आदमी अपना मतदान देकर अपना मुख्यमंत्री चुना है। जी हाँ, हर एक जाति के लोग इनको सीएम देखने के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए सभी ने भारी मतों से चुनाव में सफल बनाकर एक अच्छा और बेदाग सीएम चुना है। इसके लिए प्रदेश के सीएम के तरफ से हर एक आम नागरिकों के परिवार को सात निश्चय योजनाओं से शुद्ध पानी मिले, इसके लिए उन्होंने लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए। मगर वो हर घर में नल जल का पानी तो मिल रहा है, लेकिन एक ऐसी गांव है जहां इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड स्थित कटैया पंचायत के वार्ड संख्या 10 में आम लोग सरकार की हर एक योजनाओं के लिए अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। वही सरकार अपने पंचायत की जनप्रतिनिधियों की ओर टकटकी लगाए हुए है, मगर दोनों में से कोई किसी की सुनती नहीं है और ये लोग अपने आप को अनाथ की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी हाँ, आइए ले चलते हैं आपको कटैया पंचायत के कोड़ियापट्टी गांव, जहाँ सरकार की हर एक योजनाओं के लिए वाट जोता हुआ आपको आम आदमी नज़र आ रहा है। जब बिहार 24 न्यूज़ के संवाददाता ने इसका जायज़ा लिया तो एक बार फिर सरकार और जनप्रतिनिधियों के विकास के सारे दाव खोखले नज़र आए। आपको बता दें कि सिर्फ इन लोगों को एक बिजली आपूर्ति ही मिलती है, बाकी के सभी योजनाओं से कोसों दूर रखा गया है। आइए जरा आप भी सुन लीजिए इन कोड़ियापट्टी गांव के लोगों की जुबानी बातें। बड़ा दुर्दशा है, भरभट होना थाल हेल के पार होते हैं, अब कोई उपाय नहीं है। मुखिया सब भी आता है तो खाली पैसे के जुगाड़ में आता है, जब पैसा जिसका पैसा है दे देता है तो उसका कागज आगे हो जाता है, जिसका नहीं है तो बैठे रह जाते हैं। तो मैंने किस चीज़ में पैसा मांगते हैं? एक तो पुर्जा भी लिखेंगे तो पैसा चाहिए उन लोग का। मैंने तो कौन है मुखिया, कभी गए? आइनुल मुखिया का। तो कभी गए हैं उनके पास? है। आपसे भी मांगा था कभी? है। कितना मांगा था आपसे? अब 100-200 मांगता है, चले वो नहीं रहता है तो नहीं होता। मैंने रिश्वत के तौर पर ही मांगता है। क्या नाम हुआ आपका? डोमर जाट। हमारे लोग का नहीं, कुछ दे रहा है वोट लेने का, आता है गोर दाही पकड़ के बाबू दादा कहकर लेते हैं वोट दे देता है, जीतने के बाद में कोई नहीं आते, घूर कभी तक नहीं आते हैं, कुछ हम लोग का मिलते नहीं है। मैंने क्यों नहीं मिला कभी, इससे मिले कभी, शिकायत किए कि नहीं आप? शिकायत कब, इसे आता है सर लेके चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो देख रहे पूरा झोपड़ी है आपका, फोटो वोटो खींच के ले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है सर। देखिए उधर से देखिए टूटा फूटा रहता है, जैसे गरीब आदमी हाथ कमाते हैं खाते हैं, फिर नहीं जमीन नहीं जाता हम लोग का है, ऐसे हाल है। तो सरकार जो आवास चला रही पीएम आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उससे क्या लाभ मिला आपको? कुछ नहीं लाभ मिला सर, हम लोग का कुछ नहीं लाभ मिला, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ मिल भी नहीं करते हम लोग। तो ये देख रहे हैं बिजली का जो पूरा जर्जर है, बिजली का भी पूरा है, स्थिति खराब है। तो कभी जनप्रतिनिधि या कभी बीडीओ साहब से मिले उनसे? हम लोग तो मूर्ख है, बीडीओ साहब को हम चिंतन करते हैं तो कैसे मिलेंगे, हम लोग प्रदेश रहते हैं, गरीब आदमी जाते हैं, दुख से कमाते हैं, प्रदेश रहते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं प्रदेश में? रिक्शे चलाता है सर। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रेश्वर यादव। की लाभ भेटे चाहे कि सरकारी लाभ की भेटे है? कथु नहीं, वृद्धा पेंशन सर पूछो नहीं। कत्ते उम्र होते थे यहाँ के? हमार उम्र तब भगलू अथी धार काट अथी लाबा गेली तीन, तो हमरा पुतिन नहीं छुटली तो कल के अथी आप 85 बरस। तो 85 बरस में यहाँ के आज तक नहीं कुछ भेटा? नहीं कुछ नहीं। तो कभी मुखिया जी के कहलिए चाहे वीडियो साहब के कह? मुखिया के कर दिया छुट्टी कर। कथी छे मुखिया जी? पहले कि ये चार से महीने महीने हमरा दिए। अच्छा। वो मरवा के मर गए कटैया के मुखिया बन ली, चार लाबा गेलिए कि की कहल का बलदेव के ये केहन चाउर मिली है, तो कल के एकरा बुढ़ा पीसी के मिली है, मथ माटी मिली कि तक खुल के काटि दिल के हमारे कहिया से नहीं कहियो मिलल। तो कत्ते साल से नहीं भेटी है? साल से नहीं। तो यो लगभग 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल से नहीं मिली। तो करना जीवन यापन करे छे? बेटा तो कथी करे बेटा? बेटो है बुआ थी
विकलांगे कथु नहीं की नाम से यहाँ के यहाँ हर एक योजनाओं की विकास का डंका पीटा जा रहा है, मगर कोड़ियाबट्टी गांव के आम मतदाता सरकार की हर एक योजनाओं के लिए अपनी आंखें बिछाए हुआ है। इस गांव में सैकड़ों परिवार बसते हैं जिनको ये लोग अपना कीमती मत देते हैं और वो लोग जीतने के बाद दोबारा देखने तक भी नहीं आते। जब हमने इस गांव का दौरा किया तो सरकार और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के विकास की बातें एकदम ढकोसला साबित हुई, क्योंकि इन लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और शुद्ध पेयजल के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जब हम कोड़ियापट्टी गांव के मोहल्ले में पहुंचे तो पहले एक मुखिया भावी प्रत्याशी रुपेश कुमार चौधरी अपने पक्षों में आम लोगों को रिझा रहे थे। इतना ही नहीं, जब हमने उनसे पूछा तो सरकार और पंचायत के मुखिया पर जमकर गरजा और फिर सभी जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया। उसके बाद जब हमने पंचायत के वर्तमान मुखिया जी से कुछ सवाल किया तो उन्होंने क्या बताया वो जरा अभी सुन लीजिए। हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, पहले आप देख लीजिए जाके। हम तो देख के आए हैं। देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप लोगों का भी दायित्व बनता है, आप भी एक स्तंभ है लोकतंत्र का, जहाँ पे जो दिक्कत है, जो गड़बड़ी है, जाकर के उसको उजागर करके डालिए टीवी पर। यह कटैया पंचायत का 12 नंबर वार्ड है जिसको कोरिया टोल नाम से जानते हैं हम लोग, और यहाँ की स्थिति तो आपने थोड़ा बहुत देखा। अगर देखिएगा नल जल योजना हो या विकास, तो विकास और मुखिया जी का दोनों का रिलेशन ही नहीं है हमारे पंचायत से। विकास क्या होता है मुखिया जी को शायद परिभाषा भी नहीं मालूम है, और जितने भी यहाँ नेता बने हमारे पंचायत के, उन्होंने इस टोला के साथ में दोजा भाव का स्थिति रखा है, सौतेला जिसको व्यवहार कहते हैं। और यह स्थिति के वजह से हमारे इस टोले के लोग, जहाँ पे लगभग आबादी अगर देखा जाए तो 1000 आबादी से कम नहीं होंगे, 1000 आबादी यहाँ पे है, लेकिन फिर भी एक बार विधायक जी को इसके ऊपर कुछ सोच विचार है, ना मुखिया जी को इसके ऊपर कुछ सोच विचार है कि कोई भी व्यक्ति का कोई भी मैटर से यहाँ का लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ कमाओ और खाओ। मुखिया बन गए, पद पे आ गए, पैसा कमा करके जमीन बाहर खरीद लो, इस पंचायत का विकास नहीं करना है, ऐसा सोच उन मुखिया, विधायक और सांसद महोदय का है। गरीब तबके के लोग हैं, झोपड़ी नजर ज्यादा आ रहा है, तो कभी सरकार या प्रतिनिधि क्यों नहीं नजर डाला? आपने झोपड़ी का नाम लिया तो मुझे इस चीज पे एक हंसी आता है कि जहाँ महल है वहाँ इंदिरा आवास में नाम मिलता, हमारे पंचायत का स्थिति है, और जहाँ झोपड़ी है उसे इंदिरा आवास में नाम काट दिया जाता है, क्योंकि वह अमीर है, झोपड़ी वाला अमीर हो गया और जिसके पास कोठा का घर है वो गरीब हो गया। हमारे पंचायत का ये स्थिति है, क्योंकि चलाने वाले के पास में रूल और रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए इस पंचायत की इतनी दुर्दशा, बहुत ही दयनीय दुर्दशा है। आपको मैं कभी पंचायत भ्रमण करवाऊंगा तो देख करके आँख से आंसू आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, चाहे हो पंचायत चुनाव, जी हाँ, सभी जन प्रतिनिधि जीतने के बाद आम मतदाताओं को सूरत तक भी नहीं दिखाते हैं। जी हाँ, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए उनको तो कुर्सी मिल जाती है, फिर क्यों किसी को देखना चाहेगा। सभी चुनाव जीतने के बाद अपने परिवारों को संपत्ति अर्जित करने में लग जाता है। आम मतदाताओं के विकास हो या ना हो, उसको किसी भी प्रकार की कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिखाई देता है तो अपने परिवारों के लिए अपूत संपत्ति अर्जित करना। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।